क्या करेंगे बेटा, आपको ग्लोब के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि दिन और रात कैसे बनते हैं, ठीक है। और पृथ्वी अपनी ही दूरी पर घूमने में कितना टाइम लगाती है? 24 घंटे। और 24 घंटे का एक दिन होता है जिसमें पूरा दिन होता है, जिसमें दिन भी होता है और रात भी होती है। तो वो कैसे क्या होता है वो आपको बताएंगे। जैसे अब इस क्लास में क्या हो गया, अंधेरा हो गया बिल्कुल, ठीक है। अब ये देखो, ये समझ लो, ये जो रोशनी है ये सूर्य की रोशनी है। किसकी रोशनी है? सूर्य की। और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है। ये पूरा चक्कर लगाने में क्या लेगी? 24 घंटे। ओहो, ये टूट गया है क्या? कोई नहीं, ठीक है। ये कितनी देर लेगी? 24 घंटे। 24 घंटे। अब देखो, जिस तरफ रोशनी है उस तरफ क्या होगा? उजाला है, दिन होगा, क्योंकि दिन में सूरज की रोशनी है ना अभी। ये देखो, जैसे अगर मैं क्लास का दरवाजा खोलूं, ये देखो बाहर क्या है, दिन है ना, सूरज की रोशनी है। रात को होती है सूरज की रोशनी? तो रात को क्या हो जाती है? रात होती है। अंधेरा होता है तो रात हो जाती है ना। लेकिन अभी क्या है? सूरज है। जब तक सूरज होता है तब तक दिन माना जाता है ना। तो ये हमारा सूर्य है, और सूर्य की रोशनी जिस भी हिस्से पे जा रही है वो है दिन, और जिस हिस्से पर सूरज की रोशनी नहीं जा रही है वहाँ क्या है? रात। समझ गए? यस मैम। अब क्योंकि पृथ्वी अपनी ही धुरी पर घूमती रहती है, इसलिए तुमने देखा होगा कि लगभग 12 घंटे दिन और 12 घंटे की रात अगर हम मान के चले, ये ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 12 घंटे दिन 12 घंटे रात, ठीक है, अगर हम इसको माने। अभी ये रोशनी जहाँ भी जा रही है पृथ्वी के उतने हिस्से में दिन होगा। जरूरी नहीं है कि अगर अभी भारत में दिन है तो दुनिया के हर एक हिस्से में दिन होगा, नहीं। जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँच रही है, यानी ये वाला हिस्सा, वहाँ क्या है? रात। वहाँ क्या है? रात। अब पृथ्वी अपनी ही धुरी पर घूम रही है। अब जो हिस्सा यहाँ आ गया वो क्या हो गया? दिन। और अब भारत उधर चला गया तो वहाँ क्या हो गई? रात। यानी सीधी सी बात है, सूर्य की रोशनी पृथ्वी के जिस हिस्से पर पड़ती है वहाँ दिन होता है, और उसके विपरीत यानी उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड, उल्टी तरफ क्या होती है? रात। रात, ठीक है, समझ आ गया? यस मैम।